ब्रांड एम्बेसडर बनने के पहले जब हेयर एंड केयर के एड्स टीवी पे मैं देखती थी, और एक नॉन स्टिकी हेयर ऑयल, जो दी ओनली नॉन स्टिकी हेयर ऑयल, सिर्फ हेयर एंड केयर का ऑयल था और है जो है नॉन स्टिकी, तो मुझे वो बात बहुत पसंद आई, क्योंकि जब भी मैं ऑयल करती थी तो मुझे वो चिपचिपाहट बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी. तो ऑफ कोर्स जब मैं फिल्मों में आ गई और हेयर एंड केयर फिर चाहते थे कि मैं उनकी ब्रांड एम्बेसडर बनूँ, तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत गर्व की बात है. अभी मैं उन्हें इंडोर्स करती हूँ. तो आई थिंक जो हमारी इंडियन कल्चर में जो चम्पी जो होती है, वो बहुत ही, मतलब हर हर घर में हर माँ जो है अपने बच्चे बच्चों के बालों पे, या हस्बैंड या फैमिली के सबको एक प्यारा सा हेड मसाज देती है. तो आई थिंक कि वो जो इतना अहम हिस्सा है एक इंडियन, हमारी हमारे भारतीय कल्चर का, तो आई थिंक जब हेयर ऑयल की बात करते हैं, अगर आप उसे नॉन स्टिकी भी बना लेते हो तो वो एक, इट्स अ बोनस, यू नो. सो आई रियली पर्सनली लव दैट. और मैं ऑयलिंग में बहुत मानती हूँ, और हेयर एंड केयर हर हफ्ते तो पक्का यूज़ करती हूँ. और इस बारी जो है उनका नया अवतार है जो है फ्रूट ऑयल्स, तो जो फ्रूट का पोषण है, फ्रूट का जो फ्रूट के जो गुण है वो इस हेयर ऑयल में है. सो दैट्स रियली गुड फॉर योर हेयर. तो हसीना की टीज़र को, मतलब बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, क्योंकि एक रिस्क था मेरे लिए, रिस्क है मेरे लिए, बहुत ही अलग अवतार में नज़र आ रही हो. तो जब लोग आपको, जब लोग खुश होते हैं और एक्साइट होते हैं, एक्साइटेड होते हैं आपको एक अलग अवतार में देखने, तो बहुत बहुत अच्छा लगता है. तो टीज़र के रिस्पांस से मैं बहुत खुश हूँ. सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी.